हरे कृष्णा, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्पिरिचुअल प्रीति। तो आज का जो ब्लॉग है वो रहेगा लाइक हमारे घर में आज संकीर्तन है और संकीर्तन के साथ साथ है ये अर्चना है। अर्चना हाय, ये नहीं होती तो मेरा कोई काम नहीं होता। हाँ, तो संकीर्तन के साथ साथ आज एंजल का बर्थडे जो हमने पोस्टपोन किया था सेलिब्रेशन, हम उसके गुरुजी के साथ आज का सेलिब्रेशन करेंगे। केक कटिंग होगा, कथा होगी महाराज जी की और फिर उसके बाद प्रसादम होगा। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, और बाकी का प्रसादम हम बाहर से बनवा रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारे डिवोटीज आएंगे, 70-80 तो एक्सपेक्टेड है। बाकी ठाकुर जी जिससे बुलाना चाहे वो आ सकते हैं, तू भी आ जाना। तो अभी बन रहा है फ्रूट कस्टर्ड और बाकी बहुत सारा काम है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगी। और फिर जन्माष्टमी की तैयारी के लिए अभी हमारा मंदिर डेकोरेट होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह ठाकुर जी की आने की खुशी मनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी मंदिर डेकोरेशन के लिए आ गए हैं और फिर अभी मंदिर सजेगा बहुत सुंदर तरीके से, फिर मैं आपको बताऊंगी मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। अगेन, तो अभी हम रेडी हो गए हैं और बाहर हो रही है एंजल के बर्थडे की तैयारी, इसकी डेकोरेशन बताती हूँ मैं आपको। सब लोग आ गए हैं, पेट भी कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ठाकुर जी के लिए मटकियाँ सजाई जा रही है और ये सारे वेरी नाइस। द शो मी योर फेस। हेलो गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधारमण हरि। फोटोग्राफी कर रहा है, एक सेल्फी ले ले ऐसे। ब्लॉग है। अच्छा, ये ब्लॉग सारी दुनिया देखे। को टैग मिला चाची का चमचा, चाची का चमचा है। राधे गोविंद, भगवान श्री राधे, अक्सर लोगों को लगता है भजन क्यों करना है, भजन करके क्या करना है, बुढ़ापे में करे या नहीं करने से भी चलेगा, इस तरह के विचार लोगों के अंदर बहुत रहता है, भक्त लोगों में भी रहता है कि इतना ज्यादा करके तू बड़ा आया। भक्त एक दूसरे को बोलते रहते, कोई प्यार से बोलता है, कोई झगड़ के बोलता है, जैसे भी बोलता है। ले बाकियों को नहीं, तुझे क्यों पड़ी है, एक जगह नहीं, समाज के अंदर ऐसा है ना। जो नहीं करता है उनको लगता है किस लिए करना है, जो करने वाला उसको भी लगता है कि कुछ ज्यादा है। ये भजन होता क्या है, भजन वही है जो शास्त्र बतलाते हैं कि भगवान के द्वारा अपने कल्याण की व्यवस्था को ही भजन कहते हैं।
ये देखो आप तो पिकिन है। आज यहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा का फंक्शन था और प्रसाद इतना था कि इतना बचा है कि अभी ये पार्सल दे रहे हैं। सब भर भर के लेके जा रहे हैं। सब भर भर के बाद ये देखो और यहाँ देखो सब पार्सल है। ये भी पार्सल के कल सुबह का नाश्ता भी साथ में हो गया। मतलब इतनी बरकत हुई कि सब प्रसाद सब खाने के बाद 200-150 भी आदमी खाने के बाद भी इतना बचा। कल सुबह का नाश्ता भी इनकी तरफ से है। हाँ। और ये हमारे लवली भाई के लड़के हैं, ये बहुत सुमीले हैं, बहुत प्यारे प्यारे हंसते हैं। और पीछे मेरी वाइफ है प्रीति की जेठानी, 22 तारीख को साइन लेने वाली थी, जो 22 तारीख को ऐसे साइन लेने वाले 22 तारीख को पेपर पे साइन ले। और यहाँ देखिए डब्बे लेके घूम रहे हैं कि फटाफट प्रसाद पार्सल करें। ये हमारे गोरे भाई है, इनका रंग गोरा है इसलिए हम लोगों ने नाम ही गोरे भाई रख दिया है। और ये गोरे भाई है, इनका रंग ही गोरा है इसलिए हम लोगों ने गोरा भाई नाम रख दिया है। ये सेवा बहुत करते हैं, प्रसाद बहुत बांटते हैं, अब सेवा बहुत करते हैं। और देखिए अभी देख कस्टर्ड में इतना इंटरेस्ट है इनको कि आप बता नहीं सकते कितना खाते हैं। देखो ये देखिए ऐसा है, ठीक है। ये देखिए प्रीति को भी इतना प्रसाद हो गया कि थैलियां नहीं मिल रही हैं। हाँ, डब्बे खत्म हो गए। जो डेली ये मंगवाती थी जैसे फ्रेंड राइस नूडल्स बाहर से मंगवाती थी वैसे खत्म हो गए। अभी पास्ता भी देखो आप कितना है। हाँ, और एक केक देखिए आप कितना है, बहुत कुछ पड़ा। हाँ हाँ, प्रीति केक खाएगी कल बोल रही है। ये जो प्लेट की थैलियां थी ना, प्लेटें थी, प्लेट तो काम आई और उसके बाद प्लेट की थैलियां भी बहुत काम आई। हाँ, हरे कृष्णा। तो देखो ये सब हरे राम हरे कृष्णा वाले हैं। अच्छा, मिठाई के डब्बे भी खाली कर दिए। देखो आप ऐसा मिठाई बहुत ही आनंद है। एक्चुअली हरे राम हरे कृष्णा का प्रसाद था और बहुत अच्छी तरह हो गया, थोड़ा बचा हुआ था इसमें बहुत आनंद आया। और प्रीति का देखो बहुत अच्छी तरह बांटा सबको, घर के लिए भी पार्सल दे दिया इन्होंने, सुबह का नाश्ता भी दे दिया। रात को आराम से सुबह हमारा तो घर में जाओ दोपहर का खाना भी यही है। देखो आप मतलब इतने लोग खुश हुए हैं कीर्तन से कि वो सोचते हैं कि सुबह तक का प्रसाद हम लोग यहाँ से। चलो हरे कृष्णा, हाँ देखो भर भर के देखो प्रसाद, मिठाई वाले डब्बे में भी प्रसाद आ रहे हैं। देखो आप चावल आ रहे हैं, देखिए मिलते हैं ये सुबह। और इसी के साथ देखो प्रसाद अभी कीर्तन खत्म हो गया, अभी प्रसाद भी है थोड़ा बहुत, अभी नहीं हुआ तो उसको हम लोग बांटने के बाद प्रसाद खत्म। इतनी कृपा है। पूरे घर की सेवा कर रहे हैं, या झाड़ू की सेवा, पोछे की, और यहाँ फटर की सेवा चल रही है। और अब घर की हालत खराब हो चुकी है पूरी तरह से, हमें पूरी रात जाएगी से क्लीनिंग करने में। बस यही है सेवा करो, भगवान का नाम लो। तेरी माया हे ईश्वर, तेरी माया तूने संसार बनाया, अच्छी जगह लाके फंसाया।